अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, आज एक न्यू छोटी सी वीडियो के साथ। अच्छा, मैं डेली प्रॉमिस करती हूँ कि रोज़ मेरे वीडियो आएंगे, लेकिन मसरूफियत इतनी होती है कि मैं वीडियो बना नहीं सकती। तो चले इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और आज जो है ना, मैं आप लोगों के साथ आलू गोश्त की एक बहुत आसान और घर के मसालों से जो है ना रेसिपी तैयार कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्योंकि बारिश हो रही है और शर्म यहाँ अपनी मुर्गी के साथ खेल रहा है। और बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और यहाँ मेरी चाय जो है ना ऑलमोस्ट रेडी है। सर चले सबसे पहले जो है ना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्याज मैंने पहले ही कट करके रख दिए थे, बस जो है ना इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड किए, शायद आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैंने ऐड किए हैं। दो लौंग ऐड किए थे, एक बड़ी इलायची और कुछ जो है ना साबुत काली मिर्चें ऐड की, और प्याज को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन किया। और उसके फ़ौरन बाद जो है ना मैंने गोश्त को ऐड किया है। अब इसके बाद मैं इसमें घर के मसाले ऐड कर रही हूँ। घर के मसालों में हल्दी, पिसा हुआ धनिया और भुना हुआ ज़ीरा और घर का होममेड गरम मसाला और लाल मिर्च और नमक जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और इसके साथ साथ जो है ना यानी मसालों के साथ मैं इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर रही हूँ, ताकि इसका जो कलर है वो भी अच्छा आए और गोश्त का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। और यहाँ जो है ना मैं अदरक लहसुन का पेस्ट निकालना भूल गई थी, जो कि अभी भी बिल्कुल वो है, सख्त है। तो जैसे तैसे करके मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है ना निकाला और थोड़ा सा उसी का पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया। और फिर जो है ना 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भूना है। और यहाँ टमाटर और हल्दी जो है ना एक साथ मैंने ग्राइंड किया, ऐड किया। और अब ये देखें माशाल्लाह इसकी ग्रेवी चेक करें। और इसको अभी भी मुझे भूनना है, इसका कलर और जो है ना मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। जैसे ये अच्छे तरीके से पक जाएगा इसका मसाला वगैरह, तो उसके बाद मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। तो बस मेरे हिसाब से ये रेडी है। जब ये रेडी होगा तो भी इसका ये जो ऊपर की जो तरकारी यानी होती है ना तहारी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो से ऑयल होता है ना ऊपर, वो अच्छे तरीके से आएगा। तो मैंने इसके बाद इसमें फ़ौरन जो है ना आलू ऐड किए। अब आलू को भी इसके साथ 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी अच्छे तरीके से, फिर पानी ऐड करके इसको दम पे मैं पकाऊंगी, ताकि गोश्त आलू अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ मैंने 3 से 4 गिलासें जो है ना इसमें ऐड किए हैं पानी के। अब इसको ढक्कन बंद करके दम पे जो है ना मैं रख दूंगी, और बच्चों को लेके जा रही हूँ बाहर। वालेकुम सलाम। थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। आज कहाँ आए हो आप? सीवियो। वो देखो ऊपर लाइट, मज़ा आ रहा है आपको? हाँ शरेम, मम्मी मैं ग्राउंड का चक्कर लगाता हूँ, आप 10 तक गिनो, देखो मैं कब कितने देर में आता हूँ। अच्छा स्टार्ट, एक से मैं बोलूँगी, एक दो, दो तीन स्टार्ट। अब मैं क्या करूँगी ना, मैंने अभी तक 5 गिने, आप माशाल्लाह आगे जल्दी। मज़ा आ रहा है आपको यहाँ? ज़्यादा दूर नहीं जाना, देखो सब अपने पेरेंट्स के पास है ना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहाँ सामने सामने खेलो। ओके आ गया। अच्छा आजकल आप किसको फॉलो कर रहे हो शुरेन? यूट्यूब पे किसको देख रहे हो आप? मैं इंडिया का, पाकिस्तान का। थोड़ा पीछे हो जाओ, यहाँ देखो कैमरे में देखो, बोलो पाकिस्तान से इंडिया का। पाकिस्तान में आप किसको पसंद करते हो, किसको फॉलो करते हो? विम्पायर और मिशकात खान और फहद भाई। तो आपको पता है विम्पायर का घर यहीं पर है? हाँ यहाँ कैफे भी है विम्पायर का, जाके देखोगे? यहाँ तो नहीं है, यहाँ आसपास में ही है कहीं, दूर है।
कि इतना अंधेरा और बस मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। तो आज ये कि बच्चों ने ज़िद किया तो मैं सीवीओ आना पड़ा, तो अंधेरे में बस ये कि कुछ नज़र नहीं आता, बस छोटी छोटी लाइट्स वगैरह नज़र आती हैं और कुछ नहीं। तो बस यहाँ थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हैं। शुरेम वो दूर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आगे आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाएगी आप लोगों को नज़र आएगा। तो चले मैं आप लोगों को शुरेम को दिखा देती हूँ। शुरेम शुरेम और आगे जाना है मुझे। आगे जाना है। हमने तो काफ़ी यहाँ इंजॉय किया है अंधेरे में, लेकिन शायद आप लोगों को वीडियो देखते हुए मज़ा नहीं आ रहा होगा क्योंकि अंधेरा बहुत है यहाँ। तो बस इसी वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ, जहाँ जहाँ रोशनी अच्छा होगा तो वहाँ जो है ना छोटे छोटे क्लिप्स लूँगी। और काफ़ी देर घूमने के बाद मुझे और बच्चों को भूख लगी थी, तो जो जो चीज़ें जो है ना मैंने ली थी बच्चों के लिए रास्ते में, बिरयानी वगैरह जो भी, तो वो उनको सर्व कर रही हूँ। और बस थोड़ी देर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर अपने घर की तरफ जाएंगे। घर में भी जो है ना कुछ पेंडिंग काम है वो भी आज मुझे कंप्लीट करने हैं, तो बस फटाफट से खाना खाते हैं फिर मैं आप लोगों को मिलूँगी घर पर। तो अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। और बस देखते हैं। तो यहाँ मैंने बाहर से जो है ना बिरयानी भी ऑर्डर की हुई थी। अच्छा, काफ़ी देर घूमने के बाद मैं घर में आई हूँ, तो मेरे कुछ पेंडिंग काम थे। पेंडिंग काम मेरे ये थे, मेरे दो सूट रह गए थे जो कि आज मैंने जो है ना बच्चों को सुलाने के बाद इनको कंप्लीट किया, एक ग्रीन और एक वो। तो बस आजकल ये चल रहा है और कुछ भी नहीं है। आई होप कि आज की वीडियो जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।